सरप्राइज केक ले लिया है मैंने और अभी घर चलते हैं। तो देखिए रिंग में ऐसा लगा रहे हैं भैया, इन लोगों के पास मशीन होती है तो फटाफट लग जाते हैं। पिछली बार हम लोगों ने हाथ से लगाने की कोशिश की थी तो रात भर लग गया था हमको लगाते में। मौसी बोलो, मौसी अरे वावली इधर देख के तो बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। मैं हूँ प्रणाली और मेरे हस्बैंड का नाम है धीरज पाटिल और हम दोनों हैं मिस्टर एंड मिसेस पाटिल। तो ये है नया व्लॉग और अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर। क्यों जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं, वो सब कुछ आपको आगे आगे पता चलने वाला है। तो ये है मम्मा, आप लोगों ने देखा, और ये है सिमरन। तो इसी का बर्थडे है जिसके लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। सो चलते हैं। ओके ओके, लेट्स गो। सरप्राइज केक ले लिया है मैंने और अभी घर चलते हैं क्योंकि ना बलून का जो डेकोरेशन करने वाले थे भैया वो आने वाले हैं। 9:30 बजे का उनको टाइम दिया था मैंने, तो जल्दी से चलते हैं और डेकोरेशन वगैरह करवाते हैं और फिर रात में आज 12 बजे हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो केक आपको मैं अच्छे से दिखाऊंगी घर जाने के बाद, तो अभी जल्दी से चलते हैं क्योंकि टाइम हो रहा है ऑलरेडी। भैया वगैरह आ गए हैं जो बलून्स वगैरह लगाएंगे अभी, तो इस साइड में हम लोग लगाने वाले हैं बलून्स और ये रिंग है इसके ऊपर लगेगा। वाला कॉम्बिनेशन रखवाया है हम लोगों ने, वाइट और पिंक कलर का। ये डार्क लाइट ही आएगा कि डार्क आएगा? ये बेबी पिंक आएगा। तो गाइस सिमरन को अभी तक पता नहीं है, उसको ना मैंने बाजू वाले मतलब एक दीदी है उनके घर पे भेज दिया है फिलहाल के लिए, क्योंकि अगर वो देखेगी ना तो फिर उसका सरप्राइज का कोई मतलब रहेगा नहीं। तो केक वगैरह हम लोगों ने ले लिया है, घर पे आ गए हैं, अभी बलून्स वाले भैया भी आ गए, आप लोगों को दिखाया है। अभी पूरा अच्छे से जब रेडी हो जाएगा ना तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, अच्छे से दिखाऊंगी। एंड मैं मेरे हस्बैंड को बहुत मिस कर रही हूँ सच में। वो होते ना तो कोई टेंशन ही नहीं होती, वो हर एक चीज़ आगे होकर कर लेते हैं, तो मैं आराम से इंजॉय करती हूँ और सब कुछ चीज़ें अच्छे से हो जाती है। सो आई मिस यू सो मच। लेकिन कोई बात नहीं, कल मैं वापस भी जाऊँ, परसों वापस भी जाने वाली हूँ। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ कि वो कैसे सब कुछ बलून वगैरह लगा रहे हैं और फिर मैं आप लोगों को। तो देखिए रिंग में ऐसा लगा रहे हैं भैया, तो इन लोगों के पास मशीन होती है तो फटाफट लग जाते हैं। पिछली बार हम लोगों ने हाथ से लगाने की कोशिश की थी तो रात भर लग गया था हमको लगाते में। अब ये करके चले जाएंगे। कितना मिनट लगेगा भैया? 25 मिनट में इनका काम हो जाएगा पूरा। कॉम्बिनेशन भैया लो लग रहा है क्या? कॉम्बिनेशन थोड़ा डल लगेगा क्या? ये क्या अच्छा लगेगा? क्यों मम्मी? अच्छा लगे, बुरा लगे वो तो लेके आया ना अभी। नहीं मैंने ही बोला था ये कलर। अच्छा लगे। इसका ड्रेस पता नहीं मेरे को इन लोगों ने कौन सा लिया अभी, वो टॉप ना? नहीं हाँ मौसी बोलो, मौसी अरे वावली इधर देख के तो बोलो और आई बोलो, आई आई कहाँ है आई? प्रानू बोलो, प्रानू। नहीं वो भी मौसी, मासी ये भी मासी, देख मासी वो नाम भी ले लेगी उसको। अरे बोलो प्रानू, शिवी फुला के दिखाओ कैसे फुलाते। अरे बाप रे, अरे बाप रे, कितना बड़ा फूल आया फूंगा, अरे वाह। गाइज इतना प्यारा देखिए डेकोरेशन हो चुका है हमारा, कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताना। एंड आई होप कि ये डेकोरेशन जब सिमरन देखेगी तो उसको बहुत बहुत अच्छा लगने वाला है। तो
कैसा लग रहा है। मैंने आपको फुल इसका डिटेल दिखाई है कि कैसे मैंने डेकोरेट करवाया है, और ना इन्होंने आधे घंटे में, आधे पौन घंटे में डेकोरेट कर दिया होगा। अगर हम लोग करते तो शायद हमसे ये एक दो घंटे में भी नहीं होता। मैंने एक बार किया था मेरे हस्बैंड के बर्थडे पर, रात में मैं कर रही थी, तो मैंने 7-8 बजे से चालू किया था ना, तो रात के 12 बजे तक भी मैं डेकोरेशन ही कर रही थी, हुआ ही नहीं था जल्दी से। तो अभी बहुत सुंदर ये लग रहा है। अभी यहाँ पर केक वगैरह आएगा, मैं आपको केक भी दिखाऊंगी अच्छे से, और जब पूरा सेलिब्रेशन करेंगे ना अब मैं तब आपको मिलती हूँ। तब तक मैं पूरा घर अच्छे से साफ वगैरह कर लेती हूँ और फिर आप लोगों को फुल लुक दिखाऊंगी घर का। सो गाइज देखिए ये है केक, बहुत अच्छा लग रहा है ना। आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। ये मैंने ऑर्डर देकर बनवाया था स्पेशली सिमरन के लिए, उनको मैंने ऐसी फोटोग्राफ दिखाई थी तो उन्होंने सेम टू सेम ऐसा बना दिया है। तो चलिए अभी ले चलते हैं सामने केक और फिर लेकर आएंगे सिमरन को। सिमरन आने वाली है क्या? अरे तो चलना, तो आगे तो चल, इधर चल, इधर इधर इधर, अरे हाँ चल अंदर, चल अंदर, चल फुग्गे मत तोड़ डालना, टेबल थोड़ा सामने खसकर, चलो खोल रहे हैं अब, मम्मी इधर आओ, चलो खोले सिमरन। 1 2 3 हाँ हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सिमरन, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू, मस्त मस्त वीडियो। सो गाइस सेलिब्रेशन हो चुका है और सिमरन को बहुत पसंद भी आया है। अभी हम लोग केक वगैरह खाते हैं, थोड़ा सा देखेंगे, अगर हमें ऐसा लगा तो फिर हम लोग थोड़ा डांस वांस भी करेंगे, लेट्स सी, कोई कंफर्म नहीं है, बट अगर समझ में आया तो करेंगे, नहीं तो फिर जो ये व्लॉग है मैं कल कंटिन्यू करूंगी सुबह के लिए। तो सिमरन कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, सही सही बता। और सिमरन का क्राउन कैसा लग रहा है आप लोग बताना कॉमेंट्स में। तेरे जीजू को मिस नहीं कर रही है? आप होते तो और ज्यादा मजा आता। चलो मिल। सो गाइज हम लोग अब खा रहे हैं केक, और इतना यम्मी केक है, बहुत टेस्टी केक है। हम लोग अगर मैं फिर से गई वहाँ उस केक शॉप में तो आप लोगों को वो वाली केक की शॉप भी दिखाऊंगी और बताऊंगी भी कि वहाँ पे कैसे क्या रहता है। ये बाय द वे हमने जो केक मंगाया था ना, ये पाइनएप्पल फ्लेवर है और बहुत बहुत यम्मी है ना मम्मी, बहुत टेस्टी है। तो अभी हम लोग इस व्लॉग को एंड करने से पहले मैं सोच रही हूँ कि हम लोग थोड़ा बहुत डांस वांस भी करते हैं, तो चलिए आप लोगों को भी दिखाती हूँ मैं। हम लोग थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग अब सो जाएंगे क्योंकि बहुत लेट हो चुका है ऑलरेडी। हम बहुत देर से एक डांस रील बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी रात के बज रहे हैं 1:15 देखो, और हमारा ख़त्म ही नहीं हो रहा है। डांस रील बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे जरूर देखना, बहुत मेहनत से बना रहे हैं। आज मेरी बहन के साथ में रील बना रही हूँ, तो देखना और बताना कि कैसा लग रहा है आपको। सो गाइस हमारा सेलिब्रेशन आज रात का हो चुका है, अब आपसे मिलती हूँ मैं डायरेक्टली सुबह, सुबह भी इस व्लॉग को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो
सो जाते हैं। अभी ऑलरेडी 2 बज चुके हैं रात के और अब सोना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फिर जल्दी उठना भी है सुबह। वैसे अभी देखती हूँ थोड़ी सी एडिटिंग करना है मुझे व्लॉग की, तो वो भी कर लूँगी। अभी मैं अपलोड करके रख दूंगी, उसके बाद सो जाऊंगी। तो मिलते हैं एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो ये हो चुका है डे 2, सेकेंड डे है और हम लोग उठ चुके थे बहुत जल्दी। मैंने अपना व्लॉग वगैरह डाला, एडिटिंग वगैरह की और अब हुई हूँ फ्री। तो अभी हम लोग हो रहे हैं रेडी क्योंकि हम लोग अभी जा रहे हैं बाहर थोड़ा सा मार्केट वगैरह और फिर हम लोग जाएंगे शाम में कहीं बाहर। तो क्योंकि सिमरन के लिए कुछ गिफ्ट लेना है मुझे, तो मैं उसकी पसंद का उसको गिफ्ट दिलाना चाहती हूँ। तो अभी चलते हैं मार्केट और उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। अभी मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ और ये रहा हमारा प्यारा डेकोरेशन, कैसा लगा आप लोगों को? रेडी हो चुकी हूँ मैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं किया है मैंने, सिर्फ ये एक टॉप पहना है ब्लैक वाला और थोड़ा सा मेकअप वगैरह कर लिया है। ज़्यादा कुछ भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऑलरेडी आईब्रोज बनानी है, तो बहुत लेट हो चुका है। हम लोगों को जल्दी निकलना पड़ेगा नहीं तो फिर शाम को बहुत लेट हो जाएंगे। तो चलिए जल्दी चलते हैं और किचन में आप लोगों को दिखा देती हूँ कि क्या बन रहा है। किचन में मम्मी अभी बना रही है, क्या बना रही है मम्मी? भरता। तो किचन में अभी खाना बन रहा है, भट्टे का भरता और पराठे बनाए हैं मम्मी ने, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एक मिनट। तो देखिए ये है बैंगन, जो बड़ा वाला बैंगन होता है ना, वो वाला बैंगन है। इसको मम्मी ने भून लिया है, इधर तवे पर तवा पुलाव फ्राई हो रहा है और मम्मी ने तो पराठे बना लिए हैं। और इधर ये देखिए ये बन रही है भरते के लिए, क्या बोलते हैं इसको, मसाला। तो चलिए अब हम लोग खाना वाना खाते हैं और फिर जल्दी से निकलते हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। ऐसी वैसी बोली तेरे नैनों ने बोली, जाने क्यों मैं डोली, ऐसा लगे तेरी होली। मैं तू मेरा, तूने बाती खोली, कच्चे धागों में पिरोली, बातों की रंगोली से ना खेलूं ऐसे होली मैं। तो गाइस खाना वगैरह खा लिया है हम लोगों ने और अब बस हम लोग निकल रहे हैं मार्केट जाने के लिए। सिमरन भी रेडी है और मम्मी भी रेडी है, हम तीनों जा रहे हैं। तो मिलती हूँ अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में, आगे की सारी प्रिपरेशन हम लोग क्या करने वाले हैं, शाम को हम लोग क्या सेलिब्रेशन करने वाले हैं, वो आप लोगों को मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में देखने के लिए। आई होप आप लोगों को ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा, आपको भोपाल वाले व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। आप लोगों में से कौन कौन भोपाल से है और कहाँ रहते हैं ये मुझे कॉमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय बाय एंड टेक केयर गाइज, बाय, लव यू ऑल।